देखिए कक्षा 9 चैप्टर नंबर 4 पाठ 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कि हम अभी पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल उदाहरण सवाल नंबर 1 करवा चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को मतलब नीचे लिखे हुए समीकरणों को AX+BY+C=0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए के रूप में व्यक्त कीजिए ठीक है, व्यक्त कीजिए और A, B, C के मानों को ज्ञात कीजिए ठीक है। ये करना है। अब देखिए दूसरे का इसमें क्या करना है, दूसरे में AX+BY+C=0 के रूप में व्यक्त करना है ए और बी और सी के मानों को जो नीचे जो इसमें निम्नलिखित जो समीकरण दिए गए हैं उनके। तो ये क्या है AX+BY+C=0, ये क्या है रैखिक समीकरण का फॉर्मूला जिसमें दो चर राशियां होती हैं x और y, वह रैखिक समीकरण कहलाता है और चर राशि की घात कितनी होती है 1 ठीक है। तो आइए दूसरे का नंबर सवाल नंबर पहला क्या है 2x+3y=9.35 bar, ये 5 पे क्या लगा हुआ है बार का मतलब है ये 5 बार बार आता चला जाएगा, कई बार आता चला जाएगा अनंत, इसलिए हम इसे बार से व्यक्त कर देते हैं ठीक है। तो अब इसके रूप में व्यक्त कीजिए किसके रूप में AX+BY+C=0। तो देखिए इसका पक्षांतर इस तरफ कर दे तो बराबर क्या आ जाएगा 0, तो यह इस रूप में व्यक्त हो जाएगा। देखिए तो हल करते हैं 2x+3y=9.35 bar को इस साइड लाते हैं तो निशान बदल जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, 9.35 bar बराबर 0। जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है निशान बदल जाते हैं। पक्षांतर किससे कहते हैं, जब किसी संख्या को बराबर के दाएं तरफ से बाएं तरफ ले जाते हैं या बाएं तरफ से दाएं तरफ लाते हैं तो उसे पक्षांतर कहते हैं, मतलब किसी भी संख्या को बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं या दूसरी तरफ से इस तरफ लाते हैं, मतलब बराबर के इस तरफ या इस तरफ किसी संख्या को इस साइड की संख्या को इस साइड ले जाते हैं और या फिर इस साइड की संख्या को इस साइड ले जाते हैं तो इसे उसे हम क्या कहते हैं पक्षांतर। उसमें क्या होता है एक रूल है नियम है ये मैथ का कि निशान किसी भी संख्या के निशान बदल जाते हैं, अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा ठीक है। तो ये क्या हो गया निशान बदल गया, यहाँ पे माइनस का हो गया। अब देखिए इस रूप में व्यक्त हो गया तो इसको यहाँ पे लिखेंगे AX प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। इसकी इससे तुलना करेंगे तो हमें ए बी और सी का मान प्राप्त हो जाएंगे, यही इसमें करना है। तो लिखेंगे तुलना करने पर, करने पर, ठीक है। तो ए का मान क्या आएगा, ये बराबर एक्स एक्स कट जाएगा, ए का मान क्या आएगा दो, ठीक। बी का मान क्या आएगा, बी बराबर वाई से वाई कट जाएगा, क्या बचेगा तीन प्लस का तीन, कॉमा सी बराबर माइनस के चिन्ह सहित आता है, ठीक है, माइनस के 9.35 का बार, माइनस के 9.35 का बार, ठीक है, 3.5 का क्या बार है। ए और बी और सी के मान हमें ज्ञात हो गए, हमारा दूसरे का पहला सवाल हल हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए पहला सवाल हो गया, अब यहाँ पे दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरे का दूसरा, x माइनस y वटा 5 माइनस 10 बराबर दिया है 0, ठीक है। तो ये किस रूप में दिया गया है, ये ए एक्स बी वाई प्लस सी ए के रूप में दिया गया है पहले से। तो हमें इसका क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये लिखना है दो चरों वाला रेखीय समीकरण, ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मूला प्लस सी, दो चरों वाले रेखीय समीकरण का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। देखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो ए बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, y का मान है b का है प्लस b, इसकी तुलना इस पक्ष से करेंगे, इसकी इससे, ठीक है, क्या बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, क्यों, x का गुणांक कितना है यहाँ पे एक, इस x को हम कैसे लिख सकते हैं, एक गुणित x, x से कम x, तो एक का x का गुणांक क्या है यहाँ पे एक, तो a का मान क्या आएगा 1, b बराबर b का मान क्या आएगा y, क्या है y चर राशि है, तो y का गुणांक कितना है यहाँ पे, y को भी कैसे लिख सकते हैं, एक गुणित y बराबर बाय, ठीक है, तो बाय का गुणांक क्या है यहाँ पे एक, तो बी का मान क्या हो जाएगा माइनस की एक बटा पांच, कॉमा सी बराबर, सी का मान क्या है माइनस के 10, ठीक। ए और बी और सी के मान हमें प्राप्त हो गए, ए भी हल हो गया, इसका भी यहीं पे आंसर बोल देंगे हम, और इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, अब आगे दूसरी वीडियो में आगे बताते हैं, आगे एक सवाल अभी।